मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है, रोटी एक मांगता हूँ और वो दो ला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है हमारी माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर इस दुनिया में कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उनके चेहरे पर न थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है, वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसे बचाना याद आता है। कहीं हो ना जाए घर की मुसीबत मुझको मालूम, छुपा कर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर परदेश मेरी माँ, मुझे वो तेरा आंसू बहाना बहुत याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, और अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए एक फोन करने का समय भी हमारे पास नहीं रहता। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें 9 महीने पेट में रखकर पाला था। दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, पर आपकी माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा केवल आपका भला चाहती है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। शायद यही वजह है कि उम्र कोई भी हो, लेकिन जब चोट लगती है तो मुंह से सबसे पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कह देते हैं कि छोड़ो माँ, तुम क्या समझोगी, तेरे डिब्बे की वो दो रोटियां कहीं बिकती नहीं माँ, महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं माँ, भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाला रेशमी, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं माँ। दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है माँ, अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग सिर्फ माँ ही कर सकती है। दुनिया में केवल माँ एक ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और बिना पगार के काम करती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूं बहुत, ये मेरी माँ कहती है। दोस्तों, बचपन में माँ का चोट पर हल्के से फूंक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा, वैसा मलहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हो फिर भी उसको बहुत भला कहती है, अपना गंदा बच्चा भी माँ दूध का धुला कहती है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे सच्चा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में, 3 साल हाथों में और जिंदगी भर अपने दिल में जगह दी, उस माँ की हमेशा कदर कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान की कदर हमें तब पता चलती है जब वो हमारे पास इस दुनिया में नहीं होता। दोस्तों, दिन भर कमाने के बाद दोस्त पूछते हैं कि कितना कमाया, पत्नी पूछती है कि कितना बचाया, बेटा पूछता है कि आप मेरे लिए क्या लाए, लेकिन सिर्फ माँ ही एक ऐसी है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया या नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, बर्तन मांझ कर भी 3-4 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि 3-4 बच्चों से
एक माँ पाली नहीं जाती। माँ के कंधे पर जब सर रखा मैंने और पूछा माँ से, कब तक यूं ही अपने कंधे पर सोने दोगी, तो माँ ने कहा, बेटा तब तक जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर नहीं उठा लेंगे। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या माँ नहीं होती। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हर बेटे तक पहुंच जाए। और अगर आपकी अपनी माँ से बहुत दिनों से बात ना हुई हो तो आज ही अपनी माँ को फोन कीजिए और कह दीजिए उन्हें, माँ आई लव यू। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।